हेलो एवरीवन तो एक और टॉपिक अपन ले रहे हैं यहाँ पर जिसका नाम है फिगर पार्टीशन एंड काउंटिंग यानी कहीं ना कहीं कुछ डायग्राम्स हमें दिए गए होंगे और उनमें हमें या तो नंबर ऑफ स्क्वायर ढूंढने पड़ सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल ढूंढने पड़ सकते हैं या नंबर ऑफ ट्राइंगल पेंटागन हेक्सागन किसी भी तरह का फिगर हमें उसमें ढूंढना पड़ सकता है तो कितने उसके अंदर टोटल होंगे ये कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं कुछ जगह पर फॉर्मूले भी वर्क कर सकते हैं और कुछ जगह पर लिटरली हमें देख कर फाइंड करना पड़ेगा दोनों तरह की चीजें यहाँ पे होंगी तो सबसे पहले तो अपन बात करते

कि किस तरीके से अपन यहां पर नॉर्मली बना सकते हैं वो सबसे पहले देखते हैं जैसे मैंने यहां पर ये ये डायग्राम को मैंने यहां बना लिया है और ये फोर बाय फोर की ग्रिड है आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फोर फाइव फोर की ग्रिड है तो अगर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हो ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आपको काउंट करने हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है डायरेक्टली हमें ये पार्टीशन गिनने हैं कि ये लेंथ पे कितने पार्ट हैं वन टू थ्री फोर हाइट पे कितने पार्ट हैं वन टू थ्री फोर और नंबर ऑफ स्क्वायर लिखने के लिए हम सबसे पहले लिख देंगे फोर इंटू फोर फिर ये फोर और फोर में एक एक कम करके हम लिख देंगे थ्री इंटू थ्री देन प्लस टू इंटू टू देन प्लस वन इंटू वन और ये हमारे इस ग्रिड में जो फोर बाई फोर की ग्रिड है इसमें नंबर ऑफ स्क्वेयर्स यहां पर आ जाएंगे अब हम इन्हें लिटरली काउंट कर सकते हैं फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू टू जा फोर प्लस वन और अगर हम यहां पे काउंट करें तो टोटल थर्टी स्क्वेयर्स यहां पर मुझे देखने को मिलेंगे अब आप लोग देख इस चीज को देखकर एक चीज समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर के सम आपके पास लिखे हुए हैं वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर तो अगर जब इस तरह की ग्रिड दी गई हो जिसमें और लेंथ पे जो पार्टीशन है वही सेम पार्टीशन ब्रिड पे भी हो तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एन इन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स ये फॉर्मूला अपन यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या होगी एन की वैल्यू होगी जितने पार्टीशन लेंथ और ब्रिड में हैं यानी इस केस में एन की वैल्यू हो जाएगी फोर और अगर आप फोर यहां पे पुट करते हैं तो आपका आसानी से नंबर ऑफ स्क्वेयर्स यहां पर फाइंड हो जाएंगे चलिए एक केस और लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि लेंथ और ब्रिड में दोनों जगह पर अलग अलग पार्टीशन दिए गए हों इसे एक केस और अपन ले लेते हैं तो उस केस में जो फॉर्मूला अपन ने लिया है वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा उस केस में हमने जो कन्वेंशनल मेथड यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले वो कहीं ना कहीं काम कर जाएगा तो यहां आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट में इक्वी स्पेस लाइन ही बना रहा हूं ठीक है ना बाय डिफॉल्ट इक्वी स्पेस डी समझे तो ये पार्टीशन अगर यहां देखें तो वन टू थ्री फोर फोर पार्टीशन अगर मैं ब्रिड में, में देखूं वन टू थ्री फोर फाइव है अब यहां पर अगर मैं वो फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे लिए एन की वैल्यू फिक्स नहीं होगी तो यहां पर हम कैसे करेंगे आप जो ये पार्टीशन यहां पर लेंथ में आ रहे हैं वन टू थ्री फोर सबसे पहले आप फोर ले लें ये नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने के लिए ले रहे हैं अपन वन टू थ्री फोर फाइव तो सबसे पहले अपन लिख देंगे फोर इंटू फाइव अब फोर और फाइव में एक एक कम करके लिखते जाएंगे फोर में एक कम किया थ्री फाइव में एक कम किया नहीं अगला हो जाएगा थ्री इंटू फोर उससे अगला हो जाएगा टू इंटू थ्री उससे अगला हो जाएगा वन इंटू टू और जहां पर वन आ जाए बस वहीं पर रुक जाना है। और आप देख सकते हैं ये इस इस तरह की grid में, number of squares हम इस तरह की में हम से count कर सकते हैं तो ये square count करने का तरीका हो गया अगर लेंथ और ब्रेथ में तो पार्टीशन सेम दिए हुए हैं इस तरह की ग्रिड में तो आप एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स यानी एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अब इसी चीज में अपन एक चीज और देखते हैं कि रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर तो हमारे काउंट हो गए नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे क्योंकि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी ये बोला जाएगा कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं तो स्क्वायर इंक्लूड होकर उसमें आएंगे जब तक कि ये ना बोला जाए कि आप रेक्टेंगल्स बताएं एक्सक्लूडिंग स्क्वायर जब तक ये ना बोला जाए तो रेक्टेंगल काउंट करते वक्त हम स्क्वायर को इंक्लूड करते हुए काउंट करेंगे इसी तरह की ग्रिड वापस से बना लेते हैं और इस तरह की ग्रिड वापस बनाकर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला पार्ट लेते हैं जिसमें हम आसानी से रेक्टेंगल देख सके तो पहले तो स्क्वायर देखते हैं वन टू थ्री फोर और फाइव फाइव तो स्क्वायर आगे क्योंकि रेक्टेंगल काउंट करते वक्त मुझे स्क्वायर इंक्लूड रखना है उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये वन सिमिलरली इससे नीचे वाला टू थ्री एंड फोर फोर और आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं नाइन रेक्टेंगल्स है इंक्लूडिंग स्क्वायर्स। अब अगर एक फॉर्मूला में आपको यहां पर दू फॉर्मूला है एम एन टू एम प्लस वन डिवाइड बाय टू इन टू एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू अब आखिरकार एम और एन है क्या तो एम मतलब लेंथ में जो पार्टीशन आपने लिए हैं वन और टू दो पार्ट आपने लिए हैं

अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा पार्टीशंस और बढ़ा देता हूं तो अब थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा लिटरली आपके लिए देखने के लिए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे काउंट करें तो इस केस में नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए जो कि इंक्लूडिंग स्क्वायर की बात चल रही है यह फॉर्मूला काम आएगा अब एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर और हाइट में अगर अपन देखें तो एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर तो आपका आंसर यहां पर बनेगा फोर इन टू फाइव डिवाइड बाई टू इन फोर इंटू फाइव डिवाइड बाई टूर यू कैन सी तरीका हो गया जब हम नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडिंग स्क्वायर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर भी निकाल सकते हैं तो इस तरह की ग्रिड दी गई होगी तो ये कुछ फॉर्मूले आपको काम कर सकते हैं लेकिन कभी कभी अगर इस तरह की ग्रिड नहीं दी गई हो और नॉर्मली कोई भी रेंडम डायग्राम आपको दे दिया गया हो और उसमें जब आपसे पूछा जाए कि कितने स्क्वायर्स होंगे कितने रेक्टेंगल्स होंगे तो आपको लिटरली काउंट करना पड़ सकता है और वो काउंटिंग का क्या क्या तरीका हो सकता है सबका अपना अपना एक तरीका हो सकता है ठीक है वर्टेसिस को हम पॉइंट uh, को नाम दे सकते हैं उससे बना सकते हैं या फिर हम और भी तरीके देख सकते हैं चलिए यहां पर जैसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो ग्रिड का ही था तो हम देख सकते हैं इसमें कितने स्क्वायर uh, से तो अभी अपन ने आंसर इसका निकाला था कि थर्टी स्क्वायर्स यहां पर होंगे जो कि हमने वाइज भी निकाला था और नॉर्मली कैसे काउंट कर सकते हैं वो भी अपन ने यहां देखा था चलिए अब आगे अपन पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर और वैसे तो थोड़ा सा आपको लग रहा है तो वाइज हम देख लेंगे लेकिन नॉर्मली कोई फॉर्मुला पुट हो ऐसी कोई कंडीशन यहां पर नहीं दिख रही तो नॉर्मली अगर हम देखें कि इस तरह की सिचुएशन थी ये वाली जो सिचुएशन थी जिसके अंदर इस तरह से प्लस बना हुआ हो तो आप देख सकते हैं ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आते हैं अब ऐसी तीन सिचुएशन दी हुई है आप देखिए अगर मैं अंदर भी इस तरह की यह बना दू तो एक सिचुएशन ऐसी और क्रिएट हो गई यानी पांच स्क्वायर्स और आ गए और एक और सिचुएशन अंदर दी हुई है यानी एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई यानी कहीं कहीं तो तो जाएगा तो ये सिमेट्री को देखते हुए अपन ने काउंट किया देखिए काउंटिंग का मेथड आपका अपना खुद का भी हो सकता है कोई ना कोई तरीका लेकिन कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो बेटर होगा कि आप उसमें फॉर्मूला लगा लें कोई सिमेट्री का क्वेश्चन इसमें सिमेट्रिक चीजें बनी हुई है तो उसमें आप उस तरीके से देख लें और अदरवाइज रैंडम डायग्राम आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी हो सकती है कि आप उसमें किस तरीके से पर्टिकुलर डायग्राम को ढूंढ रहे हैं चलिए आगे चलते हैं अपन एक और क्वेश्चन इसी पेज पर है जिसके अंदर काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द अब देखो ट्राइंगल की बात आ गई अब अभी अपन ने देखा कि ट्राइंगल फाइंड करने के लिए कोई स्पेशल डायग्राम होता तो स्पेशल फॉर्मूला हम लगा सकते थे लेकिन अगर रैंडम डायग्राम है तो हमें कहीं ना कहीं लिटरली काउंट करना पड़ेगा अब अपन यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल ढूंढे तो मैं आपको एक चीज हमेशा के लिए बता देता हूं और यह चीज आप याद रख सकते हैं कि इस तरह का कोई स्क्वायर बना हुआ है और उसमें इस तरीके से कोई लाइन खींच दी जाए इसी डायग्राम को हम ऐसे भी ले सकते हैं सेम ही बात है इस तरह की कोई लाइन खींच दी जाए तो हमेशा इस तरह के डायग्राम में एट ट्राइंगल्स होते हैं चाहे तो लिटरली गिन आप आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फोर तो ये हो गए और चार ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल वाली कंडीशन जो रहेगी वो चार आएंगे यानी आठ ट्राइंगल ऐसी कंडीशन में होंगे यानी ये जो अंदर बना हुआ है

हमने देखा किस सिचुएशन में हो सकता है और उसी कंडीशन में हमने यहां बनाया काउंट करने वाले कुछ ऐसे भी कर सकते थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद ये बड़े वाले जो ट्राइंगल हैं इनको काउंट कर सकते हैं तो भी कंडीशन वैसी ही बनेगी सेम कंडीशन यहां पर आएगी चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो काउंट करने का अपना अपना एक मेथड हो सकता है डिपेंड करता है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन यहां पे ले रहे हैं देखिए इन इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी अपनी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है आपका अपना कंसंट्रेशन लेवल कितना अच्छा है उन सब चीजों पे ये चीजें डिपेंड करेगी चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर एक ही फिगर में स्क्वायर भी काउंट करने हैं उसी फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी काउंट करने हैं तो लेट सी कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये पूरा बड़ा वाला यहां पर और उसमें इस तरह से प्लस का साइन बना हुआ है तो फाइव स्क्वेयर्स तो उसमें इस तरह से आ जाएंगे सिमिलरली उसके अंदर भी इस तरह का एक और

ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस तरह का अगर प्लस कहीं पर भी बना हुआ हो यानी इस तरह का क्रॉस बना हुआ हो तो एट ट्राइंगल्स उसके अंदर होते हैं ये तो हमारे स्क्वायर हो गए ये तो हमने स्क्वायर काउंट कर दी एट ट्राइंगल्स अब तक आ चुके हैं यानी ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसमें इस तरह से क्रॉस बना हुआ है तो मेरे पास एट स्क्वायर आ गया और अंदर की साइड ये वाला ये वाला जो बना हुआ है इसमें भी ये क्रॉस बना हुआ है

इस इन प्लस वाली लाइंस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहे हैं और उनको हमें काउंट करना जरूरी है ये वाला one, two, जो कि इनके अंदर नहीं आए थे थ्री फोर फाइव सिक्स एट आप देख सकते हैं यहां पे फिर से दिखाई दिए अब यही सेम कंडीशन यहां बड़े वाले में भी हो रही है यानी ये वाला जो बड़ा वाला हो रहा है ये काउंट हुए नहीं वन सिमिलरली ये टू सिमिलरली ये वाला होगा थ्री ये वाला होगा फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन और ये एट यानी एट और हमारे पास आ गए तो आप देख सकते हैं ये टोटल सारे ट्राइंगल काउंट हो गए और मैं देख सकता हूं ट्राइंगल मेरे पास थर्टी टू आए यानी थर्टी टू तो ट्राइंगल्स आए हैं और टेन स्क्वायर आए हैं यानी ऑप्शन सी यहां पर परफेक्टली आंसर बन जाता है तो आपने देखा कहीं ना कहीं आपको ये नजर करना पड़ेगा यहां पे क्या किया हमने इस क्रॉस की वजह से कितने ट्राइंगल आ रहे हैं फिर ये प्लस की वजह से भी कुछ एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको अलग से देख लिया तो कई बार सिमेट्री वाइज देख सकते हैं कई बार आप गौर करेंगे कि किस लाइन के इफेक्ट से कितने ट्राइंगल आ रहे हैं वो देख सकते हैं रेंडमली अगर आपको लगता है आप सही काउंट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में भी हमें हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर बिलो इसमें कितने ट्राइंगल्स दिए और एक स्टार बनाया हुआ है तो स्टार बनाया हुआ है और किस तरीके से अपन ट्राइंगल काउंट करेंगे अगर लिटरली अपन काउंट करते हैं इसे अगर मैं रेंडमली काउंट करने जाऊं तो कैसे पॉसिबल हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो मुझे क्लियरली नजर आ गए फाइव के बाद आप देखिए ये वाला ट्राइंगल ये भी एक ट्राइंगल है सिक्स सिक्स के बाद आप देखिए ये भी एक ट्राइंगल है जहां मैं बना रहा हूं सेवन सेवन के बाद आप देखिए ये भी एक ट्राइंगल है एट एट के बाद आप देख सकते हैं और कौन से ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं एट के बाद आप अगर नॉर्मली देखें कि हमने जो ट्राइंगल बना दिए उसके अलावा कौन से पॉसिबल हमारे पास हो रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट उसके बाद ये वाला ट्राइंगल हमने नहीं लिया ये वाला ट्राइंगल नाइन और नाइन के बाद हम देख सकते हैं और क्या पॉसिबल हो सकता है ये वाला हमने ले लिया था कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है नाइन के बाद यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं नाइन नहीं है यानी एक और आने की पॉसिबिलिटी है एक और आने की पॉसिबिलिटी में अगर हम कंडीशन यहाँ पर चेक करें कि हमने ये वाला ले लिया ये वाला ले लिया ये वाला ले लिया ये वाला ले लिया वन मोर ट्राइंगल अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे वन मोर ट्राइंगल अगर हम काउंट करते हैं तो विच वन कई बार ऐसा पॉसिबली हो सकता है कि कई बार आपको नज़र नहीं आया और किसी ना किसी तरीके से हमें उसे देखना पड़े तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर चलिए अपन सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो हमने ये ले लिए नाउ फाइव लेने के बाद हमने ये बना दिया सिक्स सिक्स के बाद हमने ये बना दिया सेवन सेवन के बाद हमने ये बना दिया एट एट के बाद हमने ये बना दिया नाइन और नाइन के बाद हमने नाइन के बाद हमने दिस वन ये बना दिया टेन यानी अल्टीमेटली हमने सारे यहां पर अलग अलग कलर से शो कर दिए और आप देख सकते हैं

छोटे सबसे छोटी साइज के ट्राइंगल काउंट करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यानी सिक्सटीन तो ये सबसे छोटी साइज के ट्राइंगल है फिर उसके बाद अगर मैं काउंट करता हूं थोड़ी सी बड़ी साइज के ट्राइंगल यानी ये वाले वन टू थ्री ये देख सकते हैं फोर फाइव सिक्स यानी ये सिक्स आए उसके बाद अगर अपन देखें थोड़े से और बड़े साइज के ये ये वाला ट्राइंगल गए। अगला अपन देखते हैं उसके बाद सबसे बड़ी साइज का ट्राइंगल हो जाएगा फिर यानी वन और आ गया अगर मैं इनको काउंट करूं सिक्सटीन प्लस सिक्स हमारे पास हो जाएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस थ्री 25 एंड 26 हो गए अब देखिए एक कौन सा है जो आपने छोड़ दिया है जो इन बाहरी साइड पर नहीं था ये सेंटर के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ये सेंटर के अंदर जो नजर आ रहा है ये आपने छोड़ दिया था इसीलिए इसका आंसर बनता है टोटल ट्वेंटी सेवन तो ये साइज वाइज काउंट किया सबसे छोटी साइज वाले फिर उससे जस्ट बड़ी वाले फिर उससे बड़े वाले सबसे बड़े वाले और बीच में एक ट्राइंगल बन रहा था जो हमने बाहरी साइड पर नहीं देखा इसीलिए उसको लेते हुए अगर हम आंसर बनाते हैं तो हमारा आंसर टोटल बनता है ट्वेंटी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पे बढ़ते हैं अब ये भी एक सिमेट्रिक डायग्राम है इसके अंदर भी आप ऐसी कंडीशन देख सकते हैं कितने हाउ मेनी द फॉलोइंग फिगर है वैसे इसमें स्क्वायर पूछे गए अगर आप ट्राइंगल पूछते तो भी हम आराम से बता सकते थे अगर स्क्वायर की बात करें सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व तो आपको यहां पर नजर आए सबसे छोटी साइज के ट्वेल्व के बाद अगर मैं इससे बड़ी साइज की बात करूं ट्वेल्व के बाद ये वाली साइज के थर्टीन यहां देख सकते हैं फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन सेवनटीन मुझे यहां पर नजर आ गए अब सेवनटीन के बाद इससे इसी में और बड़ी साइज के अगर आपको दिख रहे हैं सेवनटीन के बाद ओवर बड़ी साइज के नहीं दिख रहे तो फाइनली ये सबसे बाहर वाला जो है सेवनटीन के बाद एटीन और हमारा आंसर यहां पर एटीन से बड़ा नंबर है भी नहीं और अपने लिटरली एटीन काउंट कर लिए तो एटीन हम यहां पर आंसर दे सकते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर एट में हमसे पूछा गया हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल देयर इन द फॉलोइंग फिगर क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइडेड फिगर अब वो पैरोग्राम भी हो सकता है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है वो स्क्वायर भी हो सकता है वो ट्रिपेजियम भी हो सकता है किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है तो अगर इस कंडीशन में अपन देखें कि कौन कौन से सिचुएशन अपने पास यहां बनेगी तो अगर मैं पहले स्क्वायर काउंट कर लू ये वन ये टू ये थ्री तीन तो नॉर्मली स्क्वायर आ गए फिर अगर स्क्वायर काउंट करने के बाद अगर मैं यहां पर स्क्वायर काउंट करने के बाद अगर मैं यहां पर रेक्टेंगल वाली कंडीशन लू तो ये वन वन रेक्टेंगल आ रहा है रेक्टेंगल वाली कंडीशन दे रहे हैं। देन टू ये टू भी रेक्टेंगल आ रहा है और ये थ्री ये बड़ा वाला तो तीन और यहां पर हमारे पास आ गए अगर हम रेक्टेंगल वाली कंडीशन की यहां बात कर रहे हैं तो अगली बात करें अपन यहां पर तो अब अपन बात करते हैं ये तो हो गए हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल अब बात करते हैं अपन ट्रिपेजियम वाली कंडीशन रेक्टेंगल भी अपन ने ले ये वन ये ले लिया था ये टू ये ले लिया था और ये थ्री पूरा ले लिया था वन टू थ्री छ्रिपेजियम तो की बात करते हैं तो इस वाली साइड के साथ ये वाला ट्रिपेजियम वन ठीक है इस वाली साइड के साथ ये वाला वन और इस वाली साइड के साथ ये वाला भी टू ये आ गए सिमिलरली ये वाली साइड के साथ ये वाला थ्री और इस वाली साइड के साथ ये वाला फोर फोर आ गए और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ यानी और आ गए यानी आप देख सकते हैं इलेवन ही सबसे बड़ा नंबर है तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर बनता है कि जो हमारे पास क्वाड्रीलेटर कंडीशन है वो इलेवन यहां पर आ रही है तो देखो कई जगह पे खुद तरीके से काउंट करना पड़ेगा यहां देख सकते हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फिगर अब ये बहुत ही रैंडम डायग्राम दिया गया है तो एक कंडीशन एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो देख सकते हैं देखा क्या इन आउटर चार लाइन से कोई ट्राइंगल जनरेट हुआ नहीं हुआ फिर वही मैंने जो लाइन थी ये बना ली मैंने देखा अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर देते तो आठ ट्राइंगल हमारे पास आ चुके हैं उसके बाद धीरे धीरे करके मैं लाइंस बनाता जा रहा हूं कितने देखा थ्री यानी तीन ट्राइंगल और आ गए फिर मैंने देखा ये वाली लाइन यहां पर ड्रो ये वाली लाइन ड्रो होते हुए यहां तक पहुंच रही है अगर मैं इस लाइन से देखूं कितने ट्राइंगल और आ गए तो आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल ये वाला भी कंप्लीट हो गया टू टू के बाद ये वाला कंप्लीट हो गया थ्री और आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी कंप्लीट हो गया आप देख रहे होंगे मेरे मेरी जो पेन यहां पर चल रहा है उसके हिसाब से तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ करी इस लाइन से वन टू थ्री और फोर ट्राइंगल आ गए यानी मैं यहां पर फोर और लिख सकता हूँ फिर ये लाइन थोड़ी सी यहां ड्रॉ हुई और सिर्फ इतने पार्ट से एक ट्राइंगल और आया मैंने एक ट्राइंगल और ले लिया फिर ये लाइन यहां से ड्रॉ होके यहां गई अब मैंने देखा इस लाइन से कितने और ट्राइंगल आ गए तो मैं देख सकता हूं वन और ये पूरा भी बन गया यानी यानी तीन और आ गए अब हमारे पास एक लास्ट लाइन बचती जो मुझे करनी है लाइन लाइन अब देख सकते हैं इस से राइट एंगल ट्राइंगल है, थ्री थ्री और एड करते हैं। देखते हैं, इससे आंसर हमारा सही बनता है, नहीं बनता एट प्लस थ्री इलेवन इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस वन

अगर कभी कभी नहीं दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स निकालना या कॉनकेव निकालना क्या डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसके सभी इंटीरियर एंगल 180 से छोटे हैं ऐसा पेंटागन जिसके सभी इंटीरियर एंगल 180 से छोटे हैं वो कॉन्वेक्स कहलाएगा और कॉनकेव क्या कहलाएगा जिसमें कोई कोई ना एक इंटीरियर कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा है वो कॉनकेव की कंडीशन में आ जाएगा तो दोनों ले सकते हैं लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं कॉन्वेक्स की कंडीशन को सोचते हुए आंसर बनाने का प्रयास करूंगा तो मैं देखता हूं पेंटागन कैसे इसमें सिचुएशन आ सकती है पेंटागन की सपोज इस वर्टेक्स को ले लेते हैं वन इस वर्टेक्स को लेते सपोज ये वाला वर्टेक्स यहां से यहां से अगर मैं चालू होता हूं और यहां तक आता हूं एक साइड तो ये हो गई उसके बाद वन मोर साइड ये हो गई टू साइड थ्री साइड फोर साइड एंड फाइव साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक पेंटागन हमारे पास बन गया तो ये कॉन्वेक्स पेंटागन हमारे पास बना है तो मैं देख सकता हूं एक वर्टेक्स से इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वर्टेक्स हैं तो इसका मतलब सिक्स पेंटागन यहां पे होंगे ये मैंने कॉन्वेक्स पेंटागन आपको बताया है तो अपन ने देखा यहां पर कि कॉन्वेक्स सिक्स कॉन्वेक्स पेंटागन अपने पास आए इट माइड बी कि कौन भी आ जाए लेकिन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर किस तरह से दिया हुआ है कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्वेक्स पूछता है या फिर क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए उसमें क्या क्या नंबर दिए हुए उस पर भी डिपेंड कर सकता है चलिए तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं और ये हमारा फिगर पार्टीशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कोई ट्राइंगल स्क्वायर या कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं वो छूट ना जाए थैंक यू सो मच